हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविदा विधि सेकंड के MCQ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षतिपूर्ति संविदा की परिभाषा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 124, ऑप्शन बी धारा 126, ऑप्शन सी धारा 128, ऑप्शन डी धारा 129। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 125, ऑप्शन बी धारा 126, ऑप्शन सी धारा 128, ऑप्शन डी धारा 75। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 126। क्वेश्चन 3, प्रतिभू के दायित्व की सीमा के संबंध में उपबंध है। ऑप्शन ए धारा 127 में, ऑप्शन बी धारा 128 में, ऑप्शन सी धारा 129 में, ऑप्शन डी धारा 130 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 128 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 में परिभाषित है क्या? ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी उपनिधान, ऑप्शन सी गिरवी, ऑप्शन डी चलत प्रत्याभूति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चलत प्रत्याभूति। क्वेश्चन नंबर 5, एडमसन बनाम जार्विस का मामला संबंधित है। ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति की संविदा से, ऑप्शन बी उपनिधान से, ऑप्शन सी प्रत्याभूति की संविदा से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति की संविदा से। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा क्षतिपूर्ति दाता के दायित्व एवं क्षतिपूर्ति धारी के अधिकारों को बताती है? ऑप्शन ए धारा 127, ऑप्शन बी धारा 126, ऑप्शन सी धारा 125, ऑप्शन डी धारा 124। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 125। क्वेश्चन नंबर 7, डगडेल बनाम लोवरिंग का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए गिरवी से, ऑप्शन बी उपनिधान से, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति की संविदा से, ऑप्शन डी प्रत्याभूति की संविदा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति की संविदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? ऑप्शन ए 2 पक्षकार, ऑप्शन बी 3 पक्षकार, ऑप्शन सी 4 पक्षकार, ऑप्शन डी 5 पक्षकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 पक्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपनिधान की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 124, ऑप्शन बी धारा 126, ऑप्शन सी धारा 128, ऑप्शन डी धारा 148। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपनिधान होता है केवल? ऑप्शन ए जंगम संपत्ति का, ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति का, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जंगम संपत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टजैन बनाम निकोलस का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए एजेंसी से, ऑप्शन बी उपनिधान से, ऑप्शन सी गिरवी से, ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति की संविदा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपनिधान से। क्वेश्चन नंबर 12, वह व्यक्ति जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल का परिदान करता है कहलाता है।
ऑप्शन ए उपनिधाता, ऑप्शन बी उपनिहिति, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपनिधाता। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गिरवी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 172, ऑप्शन बी धारा 173, ऑप्शन सी धारा 174, ऑप्शन डी धारा 175। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 172। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलर को कपड़े का टुकड़ा पैंट या शर्ट सिलने के लिए देना कहलाती है। ऑप्शन ए गिरवी की संविदा, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति की संविदा, ऑप्शन सी उपनिधान की संविदा, ऑप्शन डी एजेंसी की संविदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपनिधान की संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति उपनिहिति कहलाता है। ऑप्शन ए जिसके द्वारा माल परिदत्त किया जाता है, ऑप्शन बी जिसको माल परिदत्त किया जाता है, ऑप्शन सी जो माल परिदत्त करने में असफल रहता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसको माल परिदत्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति उपनिधान में उपनिधाता कहलाता है वह गिरवी में कहलाता है क्या? ऑप्शन ए पड़ियमकार, ऑप्शन बी पड़ियमदार, ऑप्शन सी अभिकर्ता, ऑप्शन डी उपनिहति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पड़ियमकार। क्वेश्चन नंबर 17, एक एजेंसी के सृजन के लिए ऑप्शन ए उच्च प्रतिफल आवश्यक है, ऑप्शन बी पर्याप्त प्रतिफल आवश्यक है, ऑप्शन सी कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 128, ऑप्शन बी धारा 130, ऑप्शन सी धारा 172, ऑप्शन डी धारा 182। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम के किस धारा के अनुसार अभिकरण के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए धारा 185, ऑप्शन बी धारा 182, ऑप्शन सी धारा 186, ऑप्शन डी धारा 187। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 185 यानी 185। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुबंध के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं? ऑप्शन ए गिरवी, ऑप्शन बी एजेंसी, ऑप्शन सी भागीदारी, ऑप्शन डी जमानत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 21, माल विक्रय अधिनियम 1930 कब प्रवर्त किया गया? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1932 को, ऑप्शन बी 5 जून 1932 को, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1930 को, ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 1930 को। क्वेश्चन नंबर 22, माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा के अंतर्गत क्रेता की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 21 में, ऑप्शन बी धारा 22 में, ऑप्शन सी धारा 23 में, ऑप्शन डी धारा 24 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल विक्रय अधिनियम 1930 की
किस धारा में विक्रेता की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2 सबसेक्शन 2 में, ऑप्शन बी धारा 2 सबसेक्शन 13 में, ऑप्शन सी धारा 2 सबसेक्शन 5 में, ऑप्शन डी धारा 2 सबसेक्शन 4 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2 सबसेक्शन 13 में। क्वेश्चन नंबर 24, जो व्यक्ति माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रेता, ऑप्शन बी विक्रेता, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी भागीदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रेता। क्वेश्चन नंबर 25, माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत कीमत से तात्पर्य है ऐसे प्रतिफल से है जो माल के विक्रय के लिए है। ऑप्शन ए चल संपत्ति के रूप में, ऑप्शन बी अचल संपत्ति के रूप में, ऑप्शन सी धन मुद्रा के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धन मुद्रा के रूप में। तो अभी हमने ये 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।